आप सभी को मेरा नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो देखी, या यूं कहिए एक रील देखा, जिसमें एक बहू ने, अब बेटी कहें बहू कहें, बहू ने एक्चुअली अपने ददिया सास की, जो दादी सास होती हैं, उनके ऊपर अपना कैमरा फोकस करते हुए वो बोल रही कि देखिए इनको, देखिए ये बुढ़ापे में लिपस्टिक लगा रही हैं, ये बुढ़ापे में लिपस्टिक लगा रही हैं, इतनी गाढ़ी लिपस्टिक लगा रही हैं, आप देखिए क्या ये अच्छा लगता है। और इस तरह से वो उसके बोलने का ढंग इतना बुरा था जैसे कोई मेरे ही कलेजे पे चोट पहुंचा रहा हो। एक स्त्री को इतना अपमानित कर सकती है? वह समझ नहीं रही है, वह दादी है, सास है, बुजुर्ग है, तो क्या हुआ वह श्रृंगार नहीं कर सकती? सबसे पहले तो, और वो बोले जा रही हैं क्यों बना रही है ऐसा, तू क्यों कर रही है ऐसा, और मैंने लगा लिया लिपस्टिक तो क्या हो गया, तुम हमेशा यही देखा करती हो कि मैं क्या करती रहती हूँ, मेरे होठ फट रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने लिपस्टिक लगा ली। अगर हम यूँ भी समझ लेते हैं कि उनके पास लिपस्टिक लगाने का उनको मन था तो लगाने देना था, किसको बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, क्या किसी का उस पर नियत खराब होने वाली है? ये तो उस स्त्री की मनोदशा है। आप सोचो कि स्त्री को श्रृंगार का हक मिला है, नैसर्गिक है, जब हम देवी का श्रृंगार करते हैं ना, तो वो इसीलिए करते हैं कि देवी को किसी की नज़र ना लगे। हर चक्र के जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि किसी स्त्री को नज़र ना लगे। स्त्रियों के चक्र कोमल होते हैं और विशेष तौर से विशुद्धि चक्र को बचाया जाता है। विशुद्धि में आप जानते हैं क्या है, ये कलाइयाँ होती हैं, जो एंकल्स का स्थान होता है वो होता है, हमारे गले का हिस्सा होता है, ये सारा का सारा हमारा जो फेस है ना वो विशुद्धि है। विशुद्धि को बहुत संभाल के शुद्ध प्रबुद्ध रखा जाता है। तो इसलिए स्त्रियों को ये जेवर पहनाए जाते हैं कि लोगों की आंखें तो जेवर की चकाचौंध देखें, उसकी सुंदरता देखें, और अपनी जो निगेटिविटी है वो यहाँ ना डालें, यहाँ ना डालें, यहाँ ना डालें, और वो अशुद्ध होने से बचे। इसलिए श्रृंगार की व्यवस्था की गई है। अगर आप ये मानते हैं कि एक शादीशुदा स्त्री ही श्रृंगार कर सकती है, ये बिल्कुल गलत बात है। शादी में उसको एक सिंदूर पड़ता है, एक छोटी सी बच्ची अपनी विशुद्धि में पायल पहन सकती है, आपकी विशुद्धि में आप बिछिया डाल सकते हैं, बहुत जगह पे बिछियाएं यंग लड़कियां पहनती हैं, नहीं बुरा माना जाता है, और बहुत जगह होता है कि शादी के बाद ही, तो बिछिया, उसके बाद आपकी चूड़ियां, ये विशुद्धि चक्र है, आप इस पे चूड़ियां डाले होते हैं, घड़ी डाले होते हैं, वो इसको सजाने की भी बात होती है। इसी तरह से आप अपनी उंगलियों में, आप अपने गले में जब कोई भी जेवर डालते हैं तो भी एक विशुद्धि, वो श्रृंगार का है। इस तरह से 16 श्रृंगार स्त्रियों के लिए बनाया गया है, देवी के लिए बनाया गया है। तो जब आप एक स्त्री को संपूर्ण रूप में देखते हैं तो आपको लगता है कि बस वो एक शादीशुदा स्त्री ही हो सकती है, ऐसा नहीं है, वो एक कुंवारी कन्या भी हो सकती है। आपने विवाह में केवल सिंदूर डाला और सिंदूर का दान यहाँ पे किया, वो इसलिए कि दुनिया जाने कि वे ये स्त्री विवाहित है। और कहाँ से वो, कैसे पता चलेगा? पुरुषों को तो पता चलना नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी कर जाते हैं। वो तो अपने आप को इतना दिखाते हैं कि मैं तो देखो विवाह के बाद ही मेरे लिए रिश्ते आते हैं, मुझे तो सब यंग समझते हैं। और एक लड़की, चाहे वो 19 साल की हो, चाहे 20, 21, 22, वह सिंदूर पड़ गया तो वह प्रौढ़ा हो गई। अब उसको कैसे रहना है वो दुनिया उसको बताएगी कि तुमको ऐसे रहना चाहिए। बात करते हैं श्रृंगार की। एक समय था जब मैं भी यही सोचा करती थी कि श्रृंगार होते ही क्यों हैं, ये श्रृंगार किसी विवाहित स्त्री के लिए तो फिर ये तो हथकड़ी है, आपने हथकड़ी पहना दी, जैसे चाहे लेके चल रहे हैं, पैरों में पायल नहीं, बेड़ियां हैं, आप तो जैसे चाहे लेके चल रहे हैं, नाक में नकेल है, तब मैं नहीं जानती थी कि विशुद्धि है, तब लगता था कि नाक में नकेल है, आपने नकेल खींचा, तो ये विचार नकारात्मकताएं हो सकती हैं। लेकिन
जब आप में परिपक्वता नहीं होती है तो ही इस तरह के विचार होते हैं। जब आप परिपक्व बन जाते हैं तो आप इनको अप्रिशिएट करते हैं। श्रृंगार 16 श्रृंगार देवी के लिए है, किसी भी स्त्री के लिए है। देवी का मतलब ही होता है कि आप उसी तरह से उसको व्यवहार करेंगे। देवता इसीलिए जो देता है, जो पति के रूप में पत्नी को संभालता है, जो बेटे के रूप में अपने माँ को संभाल लेता है, या जो पति जो पिता अपनी पुत्री को संभाल लेता है, वही देवता है। जो भाई अपनी बहन का ख्याल रख लेता है, वो देवता है। और देवता कौन होते हैं जो दे सकता है? आपने क्या दिया स्त्री को? इसी तरह से स्त्री जो देती है अपने माता पिता को, जो सम्मान देती है, उनका जो मान करती है, वह देवी है, वह कुमारी देवी है। इसी तरह से जब विवाहित होती है तो अपने पति का ख्याल रखती है, वही सती है, वो देवी है। और इसी तरह से जब वो अपने बुजुर्गों को ध्यान देती है, फिर अपने पुत्र को ध्यान देती है, पुत्रवत आप जब किसी की सेवा करते हैं तो आप देवी हैं, आप माँ स्वरूप में हैं। श्रृंगार कहाँ अटक रहा है? आप किसी की विडो हो तो उसके श्रृंगार नोचने लगते हैं? आप ये समझिए कि आप उसके हृदय को विदीर्ण करते हैं, तार तार कर रहे हैं उसकी भावनाओं को, जैसे वो भी मृत हो गई। पति मृत हो गया तो पत्नी मृत हो जाए, और पत्नी मृत हो जाए तो पति, भले ही वो अंदर से अकेला हो जाता है, वो तब समझता है कि पत्नी क्या होती है, लेकिन उसका कोई अपमान तो नहीं करता। एक स्त्री का खुले आम सरेआम इस तरह से अपमान, और 85 वर्षीय वृद्धा का ये अपमान। सबको जीने का हक है, जीने दीजिए। एक स्त्री का अगर मन अच्छा नहीं होता ना, वो खुद ही कुछ ओढ़ना पहनना नहीं चाहती है। लेकिन जब वो अपनी आत्मा से बात करती है, जब अपने आत्म सम्मान पे खड़ी होती है, उसको दुनिया में विचरना होता है, तो क्या वो हमेशा एक राग अलापती रहे कि वह दुखी है, वह दुखी है? कौन बैठेगा उसके पास? कौन बैठता है बीमार लोगों के पास? कौन बैठता है डिप्रेस्ड लोगों के पास? कोई नहीं बैठना चाहता। आप एक बार बैठेंगे, दो बार बैठेंगे, इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें। वो काम करें जो आपके मन को अच्छा लगता है। आपको ईश्वर हर एक स्टेज पर एक समय देता है, क्या करना चाहते हो, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। और जब एक बुढ़ापा आया है, हम अपने शौक से अपने तरीके से अपने को रखेंगे, और वो किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा है, किसी की नीयत तो नहीं खराब कर रहा है। श्रृंगार तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत भद्दगियाँ होती हैं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए कृपा करें और सबको जीने का अवसर प्रदान करें। नारी नारी के दुश्मन ना बने, वो किस रूप में दुश्मन बन जाती है पता ही नहीं चलता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आती है हमारे बातें तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट दें, हमें अप्रिशिएट करें। धन्यवाद।